कम से कम इसको 10 अच्छे सारे काम आपको रेड कलर। हेलो राइडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द मोटो एक्सपीरियंस। आज हम आपके लिए लाए हैं एक्सट्रीम 125 आर ब्लैक कलर में। इस गाड़ी को फुल रिव्यू करने वाले हैं इस वीडियो में, आप वीडियो में बने रहे। इस गाड़ी का बात करेंगे, इस पर कितना माइलेज मिल जाता है इस गाड़ी में, इसके अलावा इसका ऑनरोड प्राइस क्या है, एक्सोरूम प्राइस क्या है, इसमें कितना वेरिएंट आता है, उसके अलावा इसमें कितना कलर का ऑप्शन मिल जाता है, उसके अलावा इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट कंसोल, सीट कम्फर्ट, और इस गाड़ी हमको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, राइडर से हमको बेहतर मिलता है कि नहीं मिलता है, इसका कंपेरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इस गाड़ी पर कितना मंथ का फाइनेंस, कितना ईएमआई, इस साल की ईएमआई बन जाता है, कितना कम से कम डाउन पेमेंट करके आप गाड़ी लेके जा सकते हैं, सारा टॉपिक पर इसमें हम बात करने वाले हैं। आप वीडियो बने रहें। आइए इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट की सेक्शन लगा के दिखाते हैं। इसका फ्रंट से हमको बाइक कैसा देखने को मिलता है, जब की इंस्टॉल करते हैं तो गाड़ी का LED ऑन हो जाता है। देखिए इस कुछ ऐसा हमको फ्रंट से देखने को मिलता है, काफ़ी प्रीमियम हमको फील करता है। उसके अलावा इस गाड़ी का हम 1000 ऑन करके दिखा रहे हैं कि गाड़ी फ्रंट से हमको कैसा देखने को मिलता है। ये गाड़ी अच्छा खासा लुक हमको प्रोवाइड कर देता है। 125 आर का ओवर लुक हम आपको दिखाएं तो कुछ ऐसा फ्रंट से हमको देखने को मिल जाता है, पूरा नेकेड बाइक है, आप देख लें। उसके अलावा इसका लेफ्ट प्रोफाइल से दिखाते हैं कि बाइक आपको कैसे देखने को मिल जाता है। तो लेफ्ट प्रोफाइल से गाड़ी कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये गाड़ी हमको मिल जाता है। उसके अलावा सीट देखें तो स्प्लिट सीट का डिज़ाइन इसमें दिया गया है, और आपको रियर प्रोफाइल देखें तो रियर प्रोफाइल में LED सेटअप मिल जाता है। उसके अलावा इस गाड़ी का हम राइट प्रोफाइल दिखाते हैं, राइट प्रोफाइल से गाड़ी कुछ ऐसा देखने को हमको मिल जा रहा है। देखिए काफ़ी बेहतर बाइक है, इतना कम प्राइस में आपको एक्सट्रीम 125 आर मिल रहा है, माइलेज, कंफर्ट, उसके अलावा इस गाड़ी में हर चीज़ फीचर दिया गया है जो एक राइडर को चाहिए। गाड़ी का अगर वेरिएंट की बात देखें तो इसमें दो वेरिएंट मिल जाता है। ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं टॉप मॉडल है, ABS के साथ आता है, और इसका शोरूम प्राइस 1 लाख है। मात्र 1 लाख में आपको नेकेड बाइक ABS ब्रेक के साथ गाड़ी मिला है। उसके अलावा इसमें दूसरा वेरिएंट जो आता है IBS के साथ आता है, उसका शोरूम प्राइस की बात करें तो 96,000 आपको मिल जाएगा। मात्र 96,000 में एक आपको नेकेड बाइक मिल जा रहा है। उसके अलावा इसके कलर की बात करें तो इसमें 3 कलर का ऑप्शन मिल जाता है। पहला कलर की बात करें तो इसमें कोबाल्ट ब्लू मिल जाता है, दूसरा इसमें फायर स्टॉर्म रेड मिल जाता है, और तीसरा गाड़ी की बात करें जो आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ब्लैक कलर है। अच्छी सारे काम आपको रेड कलर दिखा रहा है, इसका भी लाइट सेटअप देख लो, फ्रंट से कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी कलर आपको अच्छा खासा और खूबसूरत मिल जाएगा। उसके अलावा इसका रियल प्रोफाइल कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो आपको सुनाने वाला है एक्सट्रीम 125 आर का एग्जॉस्ट साउंड। इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनिए कितना लाउड दिया गया है। सुने बहुत लाउड दिया गया है। बात करते थे इससे सस्पेंशन हम देखें तो 37 mm का डायमीटर इसका मिल जाता है, कॉन्वेंशनल इसका सस्पेंशन मिलता है। और उसके डिस्क साइज का बात करें तो 240 mm का ABS के साथ इसका सिंगल चैनल ABS के साथ ब्रेक्स आ जाता है। उसके अलावा इस गाड़ी का टायर का बात करें तो MR कंपनी का टायर आ जाता है, 90x90 का सेक्शन मिल जाता है, 17 इंच का 11 इंच पूरा ब्लैक कलर में आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस गाड़ी में किक मिलता है, आजकल हर गाड़ी किक हटा रहा है, बस ये गाड़ी आपको प्रोवाइड कर रहा है किक। उसके अलावा यहाँ पर रियर ब्रेक हो गया, और यहाँ पे रेडर क्लिप फुट स्क्रीन क्लिप फुट। गाड़ी का अगर रियर सस्पेंशन की बात करें तो इसका रियर सस्पेंशन का हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाता है, जो अपने हिसाब से इसको परलोड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा से इसका एग्जॉट देखें, काफ़ी शॉर्ट्स एग्जॉट दिया गया है, जो आपको रियर साइड से भी इसका व्यू अच्छा आने वाला है। और इस गाड़ी का रियल प्रोफाइल टायर की बात करें तो इसका टायर सेक्शन पहले आप देख लें, 120x80 17 इंच का 11 इंच पूरा ब्लैक कलर में मिलता है, और ड्रम ब्रेक आपको रियर में मिल जाता है 130 mm में। उसके अलावा रियर लाइट का बात करें तो रियल टेल लाइट आपको LED मिल जाता है। उसके अलावा इसके इंडिकेटर देखिए, पूरा फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिलता है LED सेटअप में, और यहाँ पर गाड़ी का आपको नंबर प्लेट मिल जाएगा। लेफ्ट प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे पिलियन के लिए फुटरेस्ट ना साड़ी कॉल दिया गया है। उसके अलावा राइडर के लिए फुटरेस्ट, और यहाँ पर गियर बॉक्स की बात करें तो इसमें 5 गियर बॉक्स मिल जाता है, ऑन डाउन होता है, 4 अप होता है। उसके अलावा इसके सिंगल चैन कवर के साथ ये बाइक आपको देखने को मिल जाएगा। कम से कम डाउन पेमेंट करके आप अपने घर लेके जा सकते हैं। पहले इसका बात करें, इस गाड़ी का ऑनरोड प्राइस है, इसका ऑनरोड प्राइस है 1,21,824 रुपया, और कितना कम से कम डाउन पेमेंट करके एक बाइक को घर लेके जा सकते हैं, सारा चीज़ मैं बताएगा। मैम इसको बताइए कम से कम कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं। कम से कम इसको 10,000 में डाउन पेमेंट पे आप घर गाड़ी लेकर जा सकते हैं। बात करते हैं इस पर कितना मंथ के बाद बन सकता है, 24 मंथ, 36 मंथ, 18 मंथ और 48 मंथ। बात करते हैं 48 मंथ पे कितना EMI बन जाए। 48 मंथ पे आपको 3,529 EMI बन जाएगा, और 24 मंथ का मैम, 24 मंथ पे आपका 5,904 बन जाएगा, और 18 मंथ का मैम उस पे 7,512 बनेगा, और 36 मंथ का मैम
36 मंथ का 4,310 बन जाएगा आपका। ओके, डाउन पेमेंट आप ज्यादा से ज्यादा करते हो तो आपका ईएमआई कम हो जाएगा। दूसरी चीज, एक पांच हाइपोथिफिकेशन होता है जो ऑन रोड में प्लस 500 जुड़ता है। हाइपोथिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो ऑनर कार्ड पे आपका बैंक का नाम रहेगा, जिस बैंक से आप फाइनेंस कराओगे उसका नाम रहेगा। अगर एक नो हाइपो भी आता है जिसमें 500 वो नहीं जुड़ता है, लेकिन वो सिविल पे डिपेंड है कि कितना आपका सिविल है और कितना आप डाउन पेमेंट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू मैम। आज हम आपको कवर किए हैं कितना कम से कम डाउन पेमेंट करके आप अपना घर लेके जा सकते हैं, सारा चीज़ कवर किया। अगर आप भी बाइक फाइनेंस पर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल देंगे शोरूम का, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे मोबाइल नंबर भी हम प्रोवाइड करते हैं। गाड़ी का सीट की बात करते हैं, सीट अच्छा खासा कंफर्ट के साथ, राइडर और पिलियन के कंफर्ट अच्छा खासा दिया गया, स्पेस अच्छा दिया गया और पूरा का पूरा आपको स्प्लिट डिजाइन में मिलेगा। उसके अलावा सीट हाइट की बात करें तो इसमें सीट हाइट आपको 794 mm का मिल जाता है जो अच्छा खासा दिया गया। उसके अलावा यहाँ पर ग्रैब रेल हो गया पिलियन के लिए। और गाड़ी का फ्यूल टैंक की बात करें तो इसमें फ्यूल टैंक आपको 10 लीटर का मिल जाता है, E20 के साथ आपको आ जा रहा है। उसके अलावा आप एक्सट्रीम का 3D में लोगो हो जाएगा दोनों साइड। उसके अलावा यहाँ पे राइडर के लिए थाई के लिए स्पेस हो गया, अच्छा खासा डिजाइन में बनाया गया। उसके अलावा इसका माइलेज की बात करें, इस गाड़ी का माइलेज तो 60 km का मिल जाता है। टॉप स्पीड की बात करें तो 110 का टॉप स्पीड इस गाड़ी में आपको मिल जाएगा। आइए इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखते हैं। इसका की ऑन करने के बाद गाड़ी कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल जाता है, LED सेटअप में दिया गया है। और इस गाड़ी में आपको स्पीडोमीटर, किलोमीटर, रियल टाइम, ऑडोमीटर, किलोमीटर यहाँ पर कितना गाड़ी चलेगा, फ्यूल इंजेक्ट और यहाँ पे RPM का आपका वार्निंग हो गया। उसके अलावा यहाँ पे हीरो का आपको लोगो हो जाएगा। उसके अलावा इस गाड़ी में यहाँ पे फ्यूल का, इंजन का, गाड़ी का स्टैंड है उसका, न्यूट्रल गाड़ी, अगर न्यूट्रल से हटाएंगे गाड़ी के तो यहाँ पर इंडिकेट करेगा कितना गाड़ी गियर में है। उसके अलावा पे इंडिकेटर का, ABS का और इस गाड़ी का यहाँ पे यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। दिखाते हैं आपको, यहाँ से कंट्रोल करते हैं, देखिए यहाँ से चेंज होगा, ट्रिप हो गया, ट्रिप बी, और यहाँ पे किलोमीटर का, ऑडोमीटर का। उसके अलावा ये सब कुछ ऐसा इसका फंक्शन काम करता है इस गाड़ी में। यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं USB केबल, यहाँ पे USB केबल हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे गाड़ी पे राइट हैंडल पे इंजन किल स्विच हो गया, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट होता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको 1000 का स्विच मिल जाएगा, सबसे अच्छी बात है इस गाड़ी इतने कम प्राइस में आपको 1000 का स्विच मिल जा रहा है। यहाँ पे हाई लो बीम इंडिकेटर और हॉर्न, सिंगल हॉर्न आपको देखने को इस गाड़ी में मिल जाएगा। उसके अलावा मिरर का कुछ ऐसा सेट में बनाता है, देख ले बात करते हैं। इसका इंजन दिया गया है 124 cc में और एयर कूल 4 स्ट्रोक के साथ इसका इंजन देखने को हमको मिल जा रहा है। मैक्स पावर की बात करें इस गाड़ी का 11.55 bhp का मैक्स पावर जनरेट मिल जाता है। और इस पर RPM हमको देखें तो 8,250 RPM को जनरेट करता है। उसके अलावा इस गाड़ी का मैक्स टॉर्क की बात करें तो 10.5 Nm का मैक्स टॉर्क मिल जाता है। और इस पर RPM की बात करें तो 6,000 RPM जनरेट करके इस गाड़ी हमको देखने को मिल जा रहा है। कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं, गाड़ी हमको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर आप अच्छा फिट और फिनिश 125 cc में 1,23,000 ऑन रोड प्राइस के साथ देख रहे थे बाइक, आप कंसिडर कर सकते हैं। इसमें नेकेड बाइक लुक मिल जाएगा आपको, स्प्लिट डिज़ाइन मिल जाएगा, अच्छा माइलेज मिल जाएगा, फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी इसका अच्छा, पूरा एग्रेशन वाला आपको लुक दे देगा। और अब बात कर रहे हैं आप राइडर लें या ये लें। अगर राइडर का इंजन की बात करें तो उसमें हमको मैक्स पावर उसमें हमको देखने को मिल जाएगा 11.38 bhp का मिल जाता है। और उस पर हम RPM देखें तो 7,500 RPM जनरेट करता है। और इसी इंजन का BHP की बात करें तो इसमें 11.55 bhp दे देता है और 8,250 rpm जनरेट करता है। मतलब उससे अच्छा खासा इंजन परफॉर्मेंस ये गाड़ी का है। और आपको 125 cc में 1,23,000 के आसपास में आप बाइक देख रहे हैं तो ये बाइक आप कंसिडर कर सकते हैं नेकेड बाइक में। उसके अलावा अगर आप स्कूल डिजाइन में जाना है, ओल्ड डिजाइन में जाना है तो आपके लिए वो बाइक है। आप देख लें दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है आप देख सकते हैं, बट मेरा कंसिडर है इस बाइक को आप देखें जरूर। आज हम आपको रिव्यू किए हैं एक्सट्रीम 125R का, हर चीज़ इस वीडियो में हम कवर किए हैं, इसका माइलेज वगैरह सब कुछ कंपैरिजन किए हैं। और यहाँ तक आप वीडियो देख लें तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे हमारे चैनल द मोटर एक्सपीरियंस। तब तक के लिए बाय बाय।